ओके गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो सिंपल आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ पे कोई सा भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से आपको 10 से 12 सेकेंड तक कर देना है, इसके बाद डन करना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन है मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वीडियो को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इस बॉक्स पे क्लिक करना है, इसे आपको फुल स्क्रीन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 3.1 या फिर 3.2 पे आना है, तो मैं यहाँ पे 3.2 पर आ जाता हूँ। कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पार्ट था राइट साइड का उसको मैंने डिलीट कर दिया हूँ। इसके बाद फिर से हमें लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो मैंने यहाँ पर वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को भी आप रिमूव कर सकते हैं, तो आपको एक से दो बार वीडियो को प्ले कर देख लेना है। यदि लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है और इसके बाद वीडियो को क्लियर पे क्लिक करेंगे और इसको लास्ट पॉइंट पे आपको कुछ इस तरह से आ जाना है और इस वीडियो को प्रेस करके रखना है और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। देख सकते हैं जैसे कि वीडियो आपको खत्म होगा तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट का पार्ट कुछ एक्स्ट्रा है, ट्रिम टू राइट कर देना है। सिंपल वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने ट्रिम टू राइट कर दिया हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल दोनों वीडियो को साउंड को आपको म्यूट कर देना है। तो सबसे पहले मैं साउंड को म्यूट कर देता हूँ। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ। सिंपल वीडियो को सेलेक्ट करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी ऑडियो है वो आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। ऑडियो पे प्रेस करके रखना है, इसे कुछ इस तरह से लास्ट में लेकर आ जाना है और आपका वीडियो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। सिंपल वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पे आना है और यहाँ पे आपको फिल्टर देना चाह रहे तो सिंपल आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल यहाँ पे आपको नेट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे मैं कुछ टाइम वेट कर लेता हूँ और कुछ इस तरह से कर देता हूँ और इसे हमको कुछ लास्ट तक कर देना है। आउट एनिमेशन में आना है और यहाँ पे आपको फिल्टर दे देना है। अब जब वीडियो आपका स्टार्ट होगा तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे और आपका वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक साउंड लिंक भी दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।